हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, मैं धीरेन्द्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2019 का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वर्तमान में कौन क्या कैसे। दोस्तों, आज हम न्यू अपॉइंटमेंट को देखने वाले हैं और इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो ये इनको नियुक्त किया गया है विनोद कुमार यादव को, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं विनोद कुमार यादव और दोस्तों ये अश्विनी लोहानी का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी है। तो दोस्तों, इनका नाम है सुमन कुमार, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये इस साल के लिए, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी है, सुमन कुमारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं डेविस मलपास। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डेविस मलपास को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चार देख लेते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नौसेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, नौसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं एडमिरल करमबीर सिंह और दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने सुनील लांबा का स्थान लिया है। और आपको साथ साथ एक क्वेश्चन और याद रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच, वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान थल सेना प्रमुख है बिपिन रावत जी, याद रखिएगा। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है। तो याद रखिए दोस्तों, वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख है BS धनोआ, याद रखिएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सात देख लेते हैं दोस्तों, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, ये नियुक्त किए हैं राजीव महर्षि। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, ये है अरविंद सक्सेना, याद रखिएगा, UPSC के अध्यक्ष है अरविंद सक्सेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ICC के CEO कौन है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, ICC के CEO है मनु सहानी जी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं दोस्तों, रॉ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो रॉ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सामंत कुमार गोयल को और दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने अनिल धस्माना का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इनको बनाया गया है अरविंद कुमार जी को IB का नया अध्यक्ष बनाया गया है और ये राजीव जैन का स्थान इन्होंने लिया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो दोस्तों, लोकसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं श्री ओम बिरला जी और दोस्तों याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अगर इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछता है तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है कोटा जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं दोस्तों, LIC के चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, LIC के चेयरमैन है एम आर कुमार जी LIC के चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं भगवान लाल सहानी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो दोस्तों याद रखिए, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार है अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं अजीत कुमार मोहंती। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल सहानी जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के महान्यायवादी हैं KK वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन नियुक्त की गई हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसने लता श्रीवास्तव को लोकसभा की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, गोवा के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो गोवा के उप मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रकांत कावेलकर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, फीफा कार्यकारी परिषद के पहले, याद रखिए दोस्तों, पहले भारतीय सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पहले भारतीय हैं जो फीफा कार्यकारी परिषद में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, बीसीसीआई के पहले लोकपाल को नियुक्त किए गए हैं? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, डी के जैन को बीसीसीआई के पहले लोकपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। और दोस्तों याद रखिएगा, इनसे पहले उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और दोस्तों राष्ट्रीयकरण, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों गीता गोपीनाथ को आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल को नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं पिनाकी चंद्र घोष। याद रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, एयर इंडिया के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, एयर इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं अश्विनी लोहानी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं ग्राहम रीड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं दोस्तों, महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए हैं अप्सरा रेड्डी को। याद रखिएगा दोस्तों, अप्सरा रेड्डी को महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है, वर्तमान में गृह मंत्री है अमित शाह। और दोस्तों यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछे तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है गुजरात का गांधीनगर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी। और दोस्तों यहां से अगर इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछता है तो निर्वाचन क्षेत्र है इनका कर्नाटक। और दोस्तों याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं दोस्तों, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्तमान में खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों याद रखिए, भारत के नए रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और अगर इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछे तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो दोस्तों याद रखिए, भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं एंड होता है, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।